गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 8 में, ठीक है, आप ही लोग का एक फ्रेंड है राहुल कुमार सिंह, ठीक है, उसका एक डाउट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी है या पुश करना, ठीक है, मींस पुल या पुश, ये दोनों एक टाइप ऑफ फोर्स है और इस दोनों फोर्स में कौन सा इजी है, ठीक है, किस चीज को करने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये उनका डाउट था, राहुल कुमार सिंह जो क्लास 8 के स्टूडेंट है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, पहले ये समझते हैं पुल और पुश दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सपोज ये एक ब्लॉक है, एक हैवी ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, क्या बेटा, एक हैवी ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई एक पर्सन जो इस हैवी ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है, मींस इस तरह से कोई एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है, पुश फोर्स है, कौन सा फोर्स है, पुश फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, सिचुएशन फर्स्ट, ये कौन सा बेटा, सिचुएशन फर्स्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर भी क्या है, सेम मास का, सपोज इस ब्लॉक का मास m1 है, ठीक है, जितना इस ब्लॉक का मास है सेम मास का एक अनदर ब्लॉक इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। ये क्या ब्लॉक, ये ब्लॉक 2 है बट इसका मास क्या है बेटा, m1 ही है, ठीक है, मींस मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक, दोनों का जो मास है क्या है, दोनों सेम है, 5 मिनट बाद हुआ, ठीक है, दोनों का मास सेम, ठीक है, एक पे पुश फोर्स लग रहा है और दूसरे पे पुल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कौन सा फोर्स होता है, पुल फोर्स, ठीक है। सपोज करो जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं वो होता है पुश फोर्स, जब किसी भी चीज को हम लोग खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुल फोर्स, ठीक है। अब एक चीज देखो कि जब हायर क्लास में जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, तो एक टर्म होता है कि बॉडी फोर्स को शो करना, ठीक है, मींस कोई ब्लॉक पे या कोई बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। मान लो ये पुश फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब देखो मैथ में ट्रिगोनोमेट्री में एक टर्म होती है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, मान लो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पे क्या है, मान लो ये थीटा एंगल है, थीटा के अपोजिट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, ये क्या हुआ हाइपोटेनस, होगा ना, सिंपल याद रखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 23 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या ये टर्म होता है जो कि आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या हुआ, परपेंडिकुलर का लेन अपॉन हाइपोटेनस का लेन, कॉस थीटा का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना हो क्या होगा, बेस बेस का लेन अपॉन हाइपोटेनस का लेन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो ये थीटा है ना, देखो ये बेस के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, एच एच है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एच है ये बेस के टर्म में, अब देखो बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन दे रहा है, कॉस थीटा, कॉस का रिलेशन दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो जब कॉस थीटा दे रहा है हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली
जब हम लोग परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एच साइन थीटा, यहां से एच को इधर लाओ, परपेंडिकुलर बराबर एच साइन थीटा। हमेशा याद रखना जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, अगर इस इंक्लाइन लाइन को ब्रेक करोगे होराइजन, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है और इधर क्या होगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जो ये एच है इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा, और जो वर्टिकल लाइन है जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बन रहा है वो क्या होगा, एच साइन थीटा, ठीक है। कोई भी इंक्लाइन लाइन अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के टर्म में रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बस अभी इतना समझना, जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है उसके साथ क्या होगा, कॉस थीटा लगेगा। जिसके साथ एंगल फॉर्म नहीं कर, क्या इसके साथ ये थीटा एंगल है, नहीं, इसके लिए क्या होगा 90 माइनस थीटा। जिसके साथ 90 माइनस थीटा होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन टर्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को, उस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं, ये क्या वर्टिकल, सॉरी ये क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या वर्टिकल एक्सिस। मान लो ये पुश फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। मैंने क्या बोला था, जिसके साथ क्या हो, जिसके साथ थीटा एंगल बनाते हो उसके साथ कौन सा टर्म होता है बेटा, कॉस टर्म। यहां पे क्या हो जाएगा, पुश फोर्स, मान लेते हैं पुश फोर्स इज इक्वल टू एफ वन, और मान लेते हैं कि पुल फोर्स इज इक्वल टू एफ टू, ठीक है। नाउ व्हाट वुड यू डू, हम लोग इस फोर्स को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ वन, वेयर एफ वन इज द पुश फोर्स, ओके, एफ वन कॉस थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस डायरेक्शन, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल फोर्स ऐसे रिजॉल्व होगा, और एक ऐसे रिजॉल्व होगा, जो वर्टिकल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, और ये क्या होगा, एफ वन साइन थीटा होगा। अब देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, मान लेते हैं ये वर्ड क्या होगा, मास m1 है, तो m1 g क्या होगा, वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। अगर किसी ब्लॉक का मास m1 है उसका वेट क्या होगा, m1 into g, where g is the acceleration due to gravity, ठीक है। उसके बाद देखो m1 हो गया, अब इस पे देखो एक फोर्स लग रहा है f1 sin theta, जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, मींस एक और फोर्स लग रहा है, ये कौन सा है, वेट, एक और फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ वन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये फोर्स, उस फोर्स का कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होगा, क्या है, ये वाला एफ वन कॉस थीटा, एफ वन कॉस थीटा, है ना। अब देखो क्या ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, है, जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है, जो सरफेस है इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल एक्सर्ट करता है सिमिलर मैग्नीट्यूड का। ये बॉक्स भी क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। अब देखो इस सरफेस से इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला नॉर्मल। हम लोग अभी ब्लॉक को देख रहे हैं ना कि सरफेस को, हम लोग किसको देख रहे हैं, ब्लॉक को देख रहे हैं। तो ब्लॉक पे क्या हो रहा है, एक सरफेस जो है एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से n होगा। अब देखो दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुश क्या है, इधर मोशन हो रहा है, हो रहा है, एंड जब हम मोशन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स डिनोटेड बाय एफ, ये क्या फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो
कंपोनेंट को देखो, यहां पे नॉर्मल बराबर क्या है, नॉर्मल इज इक्वल टू समेशन ऑफ, देखो होराइजेंटल फोर्स को एक साथ कंपेयर करेंगे और वर्टिकल फोर्स को एक साथ एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो नॉर्मल फोर्स और जो ये पुश फोर्स का एक कंपोनेंट है F1 cos थीटा और वेट है, जहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं, जो F1 cos थीटा है, जो F1 sin थीटा है, जो क्या है पुश फोर्स का एक कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन और जो वेट का डायरेक्शन है दोनों सेम है, बट जो नॉर्मल फोर्स है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी क्या करता है इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। ठीक है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एफ वन साइन थीटा, अगर मान लो नीचे वाले को हम लोग माइनस लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे, अभी हम क्या लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखो नीचे डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं निगेटिव ले रहे हैं, क्या होगा इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम वन जी माइनस एफ वन साइन थीटा, और देखो जब नीचे को निगेटिव लेंगे तो ऊपर क्या होगा पॉजिटिव प्लस नॉर्मल बराबर जीरो होगा, यहां से नॉर्मल फोर्स क्या होगा एम वन जी प्लस एफ वन साइन थीटा होगा। और बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल फोर्स, मींस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एम वन जी प्लस एफ वन साइन थीटा, ये क्या फ्रिक्शन फोर्स है, एंड वी ऑल नो दैट द फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है बेटा अपोज करता है किसको, किसी भी बॉडी के मोशन को, क्या करता है वो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो यहां से देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है म्यू इनटू एम वन जी प्लस एफ वन साइन जी का। ठीक है, यहां से किसी को दिखा, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे इस फोर्स को भी कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, मान लो थीटा एंगल है, इधर क्या होगा एफ टू कॉस थीटा, होराइजेंटल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनता है थीटा एंगल बनता है, ये क्या होगा एफ टू कॉस थीटा, इधर क्या होगा एफ वन साइन थीटा। ठीक है, और जिसके साथ एंगल नहीं है थीटा एंगल नहीं है उसके साथ क्या होता है साइन थीटा बनता है, ये क्या होगा एफ वन साइन थीटा। अब इसी तरह क्या करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स को होराइजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में ब्रेक करेंगे और वहां से हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके लिए, इसलिए देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहां पे क्या होगा एम वन जी वेट, अब देखो एफ टू कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा इधर एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ वन एफ टू साइन एफ टू, एफ टू साइन का डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड, ये क्या है एफ टू साइन थीटा, F2 sin theta डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे और क्या है दोनों के बीच में क्या होगा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n से डिनोट करते हैं और मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट ऑफ द मोशन, तो मान लो इधर क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा, बैलेंस करो क्या होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पर निगेटिव लो तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है ऊपर है ना, देखो क्या लिखेंगे नॉर्मल प्लस एफ टू साइन थीटा माइनस एफ टू माइनस माइनस एम वन जी इज इक्वल टू जीरो, यहां से एन बराबर क्या होगा एम वन जी माइनस एफ टू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ये एफ का वैल्यू क्या होगा म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स, तो फ्रिक्शन बराबर क्या होगा एन
म्यू इंटू एम वन जी माइनस एफ टू साइन थीटा होगा। अब देखो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। जो ये टर्म देख रहे हो ना एम वन जी प्लस एफ वन साइन थीटा, इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते बेटा? एपरेंट वेट बोलते। यहां पे एपरेंट वेट क्या है? एम वन जी माइनस एफ टू साइन थीटा। ये क्या हुआ? एपरेंट एपरेंट वेट। ठीक है, अब देखो दोनों में फ्रिक्शन कौन सा ज्यादा है? दोनों का वेट क्या है? सेम है, क्योंकि इसका भी मास एम वन है, इसका भी मास एम वन है, तो दोनों का वेट क्या होगा? सेम होगा। होगा ना एफ वन साइन थीटा और एफ टू साइन थीटा। ठीक है, एक वेट में से एक टर्म माइनस हो रहा है। जब किसी फिक्स क्वांटिटी में एक टर्म माइनस करते हो ये क्या होगा? कम वैल्यू होगा। ये क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां वेट में एफ वन साइन थीटा को ऐड कर रहे हैं। यहां पे क्या है? वेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ टू साइन थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा? कम होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, तो याद रखना जब आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हो क्या हो रहा है? मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हाई आ रही है, ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू जब हम किसी भी बॉडी को पुल करते हैं। पुल में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। पुश में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। पर हम लोग क्या जानते हैं? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, अब जिसमें ज्यादा होगा वो क्या करेगा? ज्यादा मोशन को रोकेगा। जिसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा वो क्या करेगा? कम रिस्ट्रिक्ट करेगा किसी भी बॉडी का मोशन का। तो हमको ये बताओ इन द केस ऑफ पुलिंग द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस, सो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के से अच्छा होगा कि हम लोग उसको पुश करें। क्या करें? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने से अच्छा होगा कि हम लोग उसको पुल करें। क्यों? क्योंकि पुल के केस में क्या होता है? एपरेंट वेट कम होता है। और एपरेंट वेट क्या होता है? एम वन जी माइनस एफ टू साइन थीटा। ठीक है, किसके केस में? इन द केस ऑफ पुलिंग। पुश के केस में एपरेंट वेट क्या होता है? एम वन जी प्लस एफ वन साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना कि पुलिंग पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा बेटा? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि फॉर पुशिंग द एपरेंट वेट इज मोर। एंड व्हाट इज एपरेंट वेट? एम वन जी प्लस एफ वन साइन थीटा फॉर द केस ऑफ पुश। पुलिंग के लिए क्या होता है एपरेंट वेट? एम वन जी माइनस एफ टू साइन थीटा, जो क्या है? कम है। किसमें? पुलिंग में। हमेशा याद रखना पुलिंग इज मोर इजी एज कंपेयर टू पुशिंग। ठीक है, समझ में आ गया। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन। म्यू क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो हमेशा याद रखना, अब देखो पुलिंग के केस में क्या होता? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहां पे एपरेंट वेट कम है। जब एपरेंट वेट कम होगा तब इंटरलॉकिंग भी कम होगी, अधिक डेप्थ तक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब एपरेंट वेट ज्यादा हो, किसके केस में होता है? पुशिंग के केस में एपरेंट वेट ज्यादा होता है। जब एपरेंट वेट ज्यादा होगा क्या होगा? इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा। जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है मोशन कम होगा। ठीक है, तो याद रखना आपको पुश करने के लिए अधिक बल फोर्स लगाना पड़ेगा सेम ब्लॉक को एज कंपेयर टू पुलिंग। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर है जो राहुल कुमार क्लास 8 के स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल डाउट। ओके, थैंक यू क्लास 8।